हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल मसाला क्वीन तो आज हम बनाने वाले हैं कोकोनट स्वीट्स ये बनाना काफ़ी आसान है काफ़ी इजी है दोस्तों इसे आप घर पे बना सकते हैं और पूरा मस्त मज़े ले सकते हैं तो गाइस कोकोनट स्वीट्स बनाने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर मैंने देखिए क्या लिया है मैंने यहाँ पर लिया है कोकोनट पाउडर कोकोनट का पाउडर मैंने 200 ग्राम लिया है जैसे कि आपको दिख रहा है बाजार में भी अवेलेबल होता है दोस्तों आप ले सकते हैं मैंने यहाँ सुगर लिया है मतलब चीनी लिया है 100 ग्राम और दूध लिया मतलब मिल्क लिया है एक कप तो दोस्तों ये तीनों चीज़ हमारे घर पे उपलब्ध होता है अवेलेबल होता है अगर वो सिर्फ कोकोनट आपको पाउडर जो है वो लेना पड़ेगा थोड़ा बाजार से मिल जाएगा इजिली मिल जाएगा और आराम से ये आप मिठाई बना सकते हैं और घर पे मेहमान आ जाए तो ईजिली आप घर पे ही बना सकते हैं तो दोस्तों देखिए मैं हम बनाने के लिए सबसे पहले हल्का सा पानी इसमें ऐड किए हैं थोड़ा सा बिल्कुल उसके बाद हम इसमें डालेंगे दूध जो कि हमने एक कप लिया था वो दूध हम डाल देंगे इसमें और थोड़ी देर तक इसे उबाल आने के लिए छोड़ देंगे तो जब उबाल आ जाए तो इसे चम्मच की मदद से हम चलाते रहेंगे तो दोस्तों जैसे कि आपको दिख रहा है इसी तरह से करें उबाल आ रहा है थोड़ा फ्लेम को लो कर देते हैं आ, तो गाइस देखिए इसी तरह से आपको थोड़ी देर चला लेना है दूध को उसके बाद ऐड करेंगे हम चीनी जो हमने 100 ग्राम चीनी लिया था ना शुगर वो हम ऐड कर दिए अब चीनी डालने के बाद भी काफ़ी थोड़ा देर तक उबाल आने देते हैं ताकि चीनी अच्छे तरह से इसमें घुल जाए मिल जाए और मीठापन आ जाए इस दूध में तो दोस्तों देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से दूध के साथ चीनी मिल चुका है जैसा कि आपको दिख रहा है तो ठीक है दोस्तों अब ये अच्छी तरह से हो चुका है थोड़ी देर तक इसी तरह उबाल आने देते हैं तो बस अब हो चुका है थोड़ी देर तक इसे ठंडा होने देते हैं ठीक है तो दोस्तों अब इसमें हम डाल देते हैं कोकोनट का पाउडर जो हमने रखा था 200 ग्राम अब हल्का सा धीरे धीरे इसमें डालें ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो सके और मिलाते जाए तो दोस्तों इस तरह से आप मिक्स कर दें देखिए काफ़ी अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है जैसा कि आपको दिख रहा है दोस्तों इसी तरह से धीरे धीरे चलाते रहें और लो फ्लेम रखें ताकि ये जले ना और काफ़ी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए ये मिठाई बनाना काफ़ी आसान है दोस्तों घर पे इजली बना सकते हैं तो अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ इलायची पाउडर ताकि थोड़ा सा फ्लेवर अच्छा आए तो दोस्तों मैंने यहाँ पे इलायची का पाउडर डाल दिया है अब इसे भी मिक्स कर देते हैं थोड़ा सा देर तक चला लेते हैं तो इसे मैंने चला लिया है अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच घी एक चम्मच घी मैंने यहाँ पर डाला है बिल्कुल शुद्ध घी है प्योर तो दोस्तों मैंने यहाँ पर डाल दिया है अब इसे भी थोड़ी देर तक मिक्स कर देते हैं घी रहने के बाद मिठाई का स्वाद ही बहुत अच्छा आता है दोस्तों ज़रूर ट्राई करें तो ठीक है दोस्तों अब हम इसे चार मिनट तक छोड़ देते हैं तो यहाँ पे मेरा चार मिनट देखिए हो चुका है तो यहाँ काफ़ी अच्छे तरीके से सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें मिक्स हो चुके हैं और कितना सुंदर भी दिख रहा है और टेस्टी भी सुगंध भी काफ़ी अच्छा आ रहा है तो चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट चलते हैं इसे मैंने गेस से नीचे कर दिया है और ये ठंडा भी हो चुका है इसे थोड़ी देर तक ठंडा होने दें क्योंकि हाथ तो आप लगाओगे गरम गरम पे तो हाथ जल सकता है तो इसलिए इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने दें मैंने एक प्लेट में निकाल लिया इसे ठंडा भी कर लिया है अब हाथों की मदद से गोल गोल लड्डू बना लेते हैं तो इसी तरीके से आप नारियल के लड्डू घर पे बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं और सभी को खिला सकते हैं सभी मजे से खाएंगे मैं यहाँ पे गोल नहीं बना के मैं थोड़ा सा लंबा लंबा बना दे रही हूँ आपको जैसा पसंद हो आप बना सकते हैं आप चाहे तो गोल गोल लड्डू भी बना सकते हैं अब हम क्या करते हैं ना जो हमने इसे बनाने के बाद ना क्या करना है कि वो जो चूरन रखा है ना जो कोकोनट का पाउडर हल्का सा मैंने साइड रखा है उसे थोड़ा सा ऊपर से दे, दे देते हैं ताकि ये सुंदर दिखे तो दोस्तों इसी तरीके से हम सारे नारियल के लड्डू को बना लेंगे और बस अब कुछ नहीं करना है इसे अब खाने के बारी है इस तरह से आप मेहमान भी घर पर आए तो झटपट से ये आसान सी रेसिपी ट्राई कर सकते हैं बहुत ही इजी है काफ़ी सुंदर भी लगता है काफ़ी टेस्टी भी लगता है ठीक है दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और खूब खाएं खूब मज़े करें और मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेलाइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको मैं लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे तो ठीक है दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ आज के लिए इतना ही इंजॉय कीजिए आप नारियल के लड्डू के साथ ठीक है नेक्स्ट वीडियो में मैं लाऊंगी नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स आपको अगर कोई और रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो ताकि मैं आपके लिए वही रेसिपी लाने की कोशिश करूँ ठीक है दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ आज के लिए इतना ही बाय बाय टाटा खूब खाएँ हेल्दी रहें और मस्त रहें